कोर्ट से बरी हुए आजम, क्या होगा सपा का अगला कदम? आजम की सदस्यता होगी बहाल, क्या है विशेषज्ञों का ख्याल? क्या बीजेपी की बढ़ेगी मुसीबत, होगा सियासी संग्राम? रामपुर में होगा उपचुनाव या 24 में होगा घमासान? समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान को नप्रति भाषण देने के मामले में रामपुर की एमएलए एमपी कोर्ट ने बरी कर दिया है, लेकिन हैरत की बात यह है कि उन्हें उसी मामले में रिहा किया गया जिसकी वजह से उनकी सदस्यता गई। आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर में दोबारा उपचुनाव हुए और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना निर्वाचित हुए। लेकिन अब जब कोर्ट ने आजम खान को रिहा कर दिया है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अब आकाश की सदस्यता रद्द होगी और आजम खान की सदस्यता दोबारा बहाल होगी? इस पूरे मामले को लेकर अब गहमा गहमी तेज हो चुकी है। हर कोई इसी सवाल के जवाब जानना चाहता है। हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आजम खान को नफरती भाषण देने के मामले में रामपुर की एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2022 को आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम खान की सदस्यता रद्द हो गई, रामपुर में उपचुनाव हुए और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना विधायक बन गए। लेकिन अब कई विशेषज्ञों ने इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी है। एक निजी इंटरव्यू में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंगनाथ पांडे ने कहा है, आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से सजा होने के बाद उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ने सजा पर स्थगन आदेश नहीं दिया था। नियमानुसार रामपुर में उपचुनाव कराकर नए विधायक का निर्वाचन हुआ। चूंकि अब वहाँ चुनाव हो चुका है, इसीलिए आजम खान की सदस्यता बहाल नहीं हो सकती है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश का कहना है कि अब सेशन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है तो साफ है कि वो दोषी नहीं थे। ऐसे मामलों में अब सर्वोच्च मामले को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने चाहिए कि यदि संबंधित विधायक या सांसद अपील में बरी हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता का क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप नारायण माथुर का कहना है कि जिस मामले में सजा होने पर आजम खान की सदस्यता रद्द हुई थी, उस मामले में बरी होने पर अब सदस्यता बहाल होनी चाहिए, क्योंकि उस सीट पर उपचुनाव हो चुका है। उपचुनाव में एक सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं, ऐसे में उनकी सदस्यता तो रद्द नहीं हो सकती। लेकिन ये देश में इस तरह का पहला मामला है, इसीलिए अब वक्त आ गया है जब सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करते हुए रास्ता निकालना चाहिए। इस पूरे मामले पर रामपुर के मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जी हनी भाई, क्या कहेंगे आज आजम खान साहब को कोर्ट से राहत मिली है? देखिए, ये सबका संवैधानिक अधिकार होता है कि निचली कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट ऊपर की कोर्ट में जाना, तो उसी ऑर्डर के जो ऑर्डर जो इनका आया था निचली कोर्ट का, उसी के अगेंस्ट ये एडीजे एमपी एमएलए रोड कोर्ट रामपुर गए थे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक प्रोसेस है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और इसको हम स्टडी कर रहे हैं और इसको स्टडी कर जो भी इसमें आगे की प्रक्रिया होगी उसको देखेंगे। अच्छा, जिस तरह से उनको राहत मिली है, तो जिस मामले में उनको सजा हुई थी, विधायकी रद्द की गई थी, वोट डालने का अधिकार छीना गया था, अब उनको राहत मिल गई है। अच्छा, उसी मामले में उपचुनाव हो गया था, आप विधायक चुने गए थे। देखिए, आजम को कोई एक मामला ऐसा नहीं है जिसमें कोई सजा मिली थी, और भी मामले हैं, मुरादाबाद के मामलों में भी सजा मिली थी। और ये नियम होता है कि अगर किसी व्यक्ति को निचली कोर्ट से एक बार सजा मिल जाती है, भले ही उसके बाद वो ऊपर की कोर्ट में जाकर वो बरी होता है या उस पर कोई भी होता है, तो उससे इस निर्णय पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब जो उनको राहत मिली है उसको लेके क्या कहेंगे? अब ये मैंने कहा ना कि उनको जो राहत मिली है, कोर्ट का जो भी निर्णय होता है वो हमें स्वीकार होता है, और हम तो कहते हैं कि उनको भी इस निर्णय को जिस तरीके से आज स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए हमेशा आगे भी हर कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करें। जो उनको कोर्ट का फैसला आया, आप उस कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप जाएंगे? देखिए, वो अभियोजन पक्ष का काम है, वो अपने उसको उसके जो ऑर्डर है उसको पढ़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद वो निर्णय करेंगे कि उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।